आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और शाले की मुख्य अध्यापिका और मेरे गुरु। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं हिंदी दिवस पर दो शब्द बोलना चाहता हूँ, तो आप शांति से सुनिए, यही मेरी विनती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा चुना गया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं सही, लेकिन राजभाषा जरूर है, जिस पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। हम सभी देशवासियों को हिंदी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना भाषण यही समाप्त करता हूँ। मेरी ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, मेरा नाम है आदर्श राजू पांडे, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में आपके सामने दो शब्द बोलना चाहता हूँ। हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाई जाती है। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली 4वीं भाषा है। भारत की आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को हमारे स्वाभिमान सभा ने सबने यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। हमें हमारी भाषा पे गर्व करना चाहिए। जन जन की आशा है हिंदी, हमारी भाषा है हिंदी। थैंक यू। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुरो साथी संगी हम जोली, कानों में मिश्री गोले, जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान, बोलो चाहे जो बोली, हिंदी से नाता रखना, है छोटी सी ये बात मगर तुम याद हमेशा रखना, बोलो चाहे जो बोली, हिंदी से नाता रखना, है छोटी सी ये बात मगर तुम याद हमेशा रखना, हिंदुस्तानी घर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा गहना, इस दुनिया से चैन और अमन की बातें मत कहना, फिर जाए दुनिया के जिसको तुमने जाकर रहना, हिंदुस्तानी घर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा कहना, है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुरो साथी संगी हम जोली, कानों में मिश्री बोले, जब भी